उनका घर बसना चाहिए। और हमारे मित्र करते हुए गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। ये तो मैं पहले ही बोल चुका था, है ना। अभी मैं आया हूँ हाईवे पर और अभी हम लोग जा रहे हैं बागेश्वर धाम। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं हम और प्रभांशु भाई। प्रभांशु भाई आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ पर है, तो प्रभांशु भाई मेरा कैमरा पकड़े हुए हैं। अभी हम लोग हिमांशु भाई और हिमांशु भाई के कुछ दोस्त लोग भी आ रहे हैं, हर्ष भी है शायद, तो उन लोगों का वेट कर रहे हैं। अब आप लोग तो ये जानते नहीं है हर्ष कौन है, लेकिन प्रभांशु के भाई को तो जानते ही होंगे, उनको तो और भी वीडियो में आप लोगों ने देखा है। तो अभी हम लोग जाएंगे बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम में क्या चल रहा है भाई प्रभांशु भाई? कन्या विवाह, कन्या विवाह महोत्सव चल रहा है अभी, नहीं हो रहा है भाई। वो कन्या विवाह का होता है ना, मतलब रोज कोई कुछ ना कुछ चलते रहता है वहाँ पे, रोज कुछ ना कुछ चलते रहता है। मतलब कन्या विवाह भी नहीं चल रहा है, वो तो 8 तारीख को है ना। तो अभी हम लोग जाएंगे बागेश्वर धाम, अभी तो उनका वेट कर रहे हैं, वो लोग आ जाते हैं, अभी मिलते हैं आपको। हाँ जी भाई, हम लोग आ चुके हैं पंडाल में, है ना। और जो हमारे हिमांशु भैया और ये भी हैं, है ना। अब हम लोग हिमांशु भैया किसी को जागते हुए, आवाज तो आई रही होगी आप लोगों को गुरु जी की, है ना। तो अभी हम लोग जाते हुए पंडाल की तरफ और हर्ष भाई हमारे चलते हुए, है ना। जितना भी समय मिलता है, कभी गंभीर मरीज आ जाते, कौने उपाय जादू मंत्र तंत्र में पड़ता है और अंत में षड्यंत्र में पड़ जाता है और दुर्गति को प्राप्त होता है। लेकिन श्री अब तो मंदिरों में आने वाले दान पात्र के रुपयों से हज की यात्रा नहीं, गरीब बेटियों का उनका घर बसना चाहिए और अस्पताल और गुरु विद्यालय खुलवा करके भारत को विश्व गुरु बनाना चाहिए। बहुत लोगों को अयोध्या जैसी खींच मचेगी, जब सुबह 10 बजे कलश यात्रा, 9 बजे ग्राम की देवी महामाई माता चंडी माता का ध्यान करके यहाँ बैठे हुए हैं गुरुजी जस्ट हम लोग के बाजू में, और प्रश्नोत्तरी चल रही है, जो भी भक्तों के सवाल हैं उनके जवाब दे रहे हैं महाराज जी। और हनुमान जी के लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं, वहाँ पर देख लो, और गुरुजी यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ जी भाई, गुरुजी जाते हुए हम लोग बागेश्वर धाम से जा रहे हैं थोड़ी पंडाल साइड, और यहाँ पर आए हुए हैं बंधु दमों के कौन है भाई, अम्बुल है, दिवाली वाली टीम आई हुई है दमों से, है ना, जो कि अभी इनका कार्यक्रम है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ग्राउंड साइड, और महाराज जी का सिंहासन तो वहाँ पर है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर जहाँ महाराज जी बैठे हुए हैं, अभी उनकी मीटिंग चल रही है, और यहाँ पर चल रहा था कार्यक्रम, वहाँ पर हो रहा था सिस्टम। ये लोग आए हुए हैं अपना नेत्र दिखाने, ये महाराज जी की गाड़ी रखी है जी भाई, यहाँ पर आए हुए हैं ये बुंदेली वाले, है ना, जो कि दमों से आए हुए हैं, है ना। यहाँ पर वो लोग हो रहे हैं तैयार, ये सारे दमों से आए हुए हैं, है ना। और वो जा रही है शिव जी की मूर्ति,
अभी आप लोगों को आगे चल के दिखाएंगे, इसके आगे होना है कार्यक्रम, ये देख रहे हो आप लोग, इसके आगे एक कार्यक्रम होना है। और गुरुजी अभी यहाँ पर, इनकी गुरुजी की मीटिंग चल रही है, ये गड्डी खड़ी हुई है। और आप कुछ बोलना चाहेंगे मानसु भैया? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर, अभी दमो से आई हुई यहाँ पर दिवाली पार्टी, दीवारी होती ना। हाँ, लकड़ियों के ये जो खड़े हुए है ना, बिल्कुल ये जो आए हुए है ना, बहुत मजा आएगा। और कुछ भाई प्रधान सरकार की तरफ से वही गए हैं, कुछ भाई प्रधान सरकार जी तक वापस वाली गाड़ी गुरुजी को मिल गई है, गाड़ी आई है कुछ भाई प्रधान सरकार जी। चलिए अब आगे चलते हैं ना, प्रवांशु भाई आगे चलते हैं। चलो भाई आगे चलो, प्रवांशु भाई गाड़ी आ गई। हाँ जी भाई, आप लोगों को दिखाते हैं हम जो दमो से टीम आई हुई है दिवाली खेलने के लिए ना, तो वो स्टेज पर अभी कर रही है, आप लोगों को आवाज आ रही होगी थोड़ी बड़ी। हिमांशु भैया बताएंगे हमारे ये क्या चीज है और क्या चल रहा है। ये इसको बोलते हैं बुंदेलखंडी का दीपावली नृत्य, दिवारी बुंदेलखंड में बोलते, आप लोग बोलते दीपावली, हम लोग बुंदेलखंड में बोलते दिवारी। और यह जो यहाँ पर देख ले रहे, हम लोग बोलते हैं, आप सभी लोग बोलते हैं दीपावली, और हम लोग बोलते हैं बुंदेलखंड में दिवारी। और आज पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी के यहाँ पर ये चल रही है दिवारी नृत्य, आपको देख गया होगा। और इतना सुंदर भव्य आयोजन 8 दिन यहाँ पर चलने वाला है, 27 तारीख से चालू हो गया था, कुमार विश्वास जी का समापन हो चुका है। और आज पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी ने दिवाली नृत्य दिखाया, इसके पहले यहाँ पर भजन संध्या भी हुई थी। वो कल से 8 दिन तक इतने महान कृत्य और इतने सुपर हिट आपको सुपरस्टार यहाँ पर देखने को मिलेंगे, अपने भजन संध्या, अपने लोक नाटक, पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी के और अत्यंत संत हनुमंताचार्य महाराज जी, योगिनी ठाकुर जी, पूरा मतलब जितना आपको पुण्य का मान है उतना पुण्य आपको यहाँ पर प्राप्त होगा पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी के पास। अब आप दिखा सकते हैं जी भाई, अभी हम लोग पा रहे हैं प्रसाद। हिमांशु भैया क्या बोलना चाहेंगे? सही है, हमें लगा कि देना ही था आपको। हम लोग अन्नपूर्णा ग्रहण कर रहे हैं और बस हम लोग खा के फिर लगाएंगे, जाएंगे मंदिर परिक्रमा, है ना। और ये देखिए अभी तक चल रही है, रात को हम लोग बज रहे हैं 12:30। हाँ जी गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं बाहर बागेश्वर धाम से, है ना, ये गेट बना हुआ है। और प्रवांशु भाई जाने किसका इंतजार कर रहे हैं, किसी की राह देख रहे हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं घर, और अभी बज चुके हैं रात के 3। मैं राह नहीं देख रहा भाई, मैं हाईवे का व्यू देख रहा था कि रात का व्यू कैसा होता है, और तुम्हारे प्रवांशु भाई की जो शक्ल ही नहीं देख रही है। अपन ब्लैक कमांडो बने हैं और हिमांशु भाई लोग जाने कहाँ रह गए, आ रहे हैं। तो अभी जाते हैं हम घर, ठीक है, चलाएं अपनी गड्डी। ओके, गुड नाइट, यानी गुड मॉर्निंग हो गई भाई, गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट, जय श्री राम।